ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स से। द फर्स्ट काइंड इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि सबसे पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सोर फ्रूट्स गिव मी अ सोर थ्रोट। हेयर सोर मींस खट्टा, यानी खट्टे फ्रूट्स खाकर मेरा गला खराब हो जाता है। सोर इज दी एडजेक्टिव हेयर, और व्हिच टाइप ऑफ, व्हिच काइंड ऑफ एडजेक्टिव इट इज दी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी के फ्रूट्स कैसे थे, उनकी क्वालिटी कैसी थी, कि वो सोर थे। नेक्स्ट देखिए, क्लाइंबिंग द स्टीप स्टेप्स लेफ्ट मी ब्रेथलेस, यानी कि स्टीप स्टेप्स क्या होते हैं, जो कि जिनकी स्लोप बहुत ज्यादा हाई होती है उसको स्टीप कहते हैं, ठीक है। जिसकी स्लोप बहुत ज्यादा हाई होती है तो वो स्टीप कहलाता है। क्लाइंबिंग द स्टीप स्टेप्स लेफ्ट मी ब्रेथलेस, यानी कि स्टीप स्टेप्स को क्लाइम करके मेरा सांस फूल जाता है। स्टीप इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द स्टेप्स, और ये आपको क्वालिटी बता रहे हैं। स्टीप आपको क्वालिटी बता रहा है किसकी, स्टेप्स की क्वालिटी बता रहा है कि स्टेप्स कैसे हैं। नेक्स्ट देखिए, द एम्प्टी बिन वाज सून फिल्ड बाय अ हार्ड वर्किंग मैन। सो हार्ड वर्किंग इज डिस्क्राइबिंग द मैन, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। The above mentioned adjectives like sore, steep, hard working tells us of what kind of a person or thing is. ठीक है, यानी कि ये जो अभी हमने examples देखी हैं, there are three examples, इसमें three adjectives थे, ये आपको बता रहे हैं कि किस kind का person, किस kind की thing थी, और ये आपको उसकी quality के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। Quality could be good, quality could be bad. तो ये आपको क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें आपको क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि किसी चीज की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टॉल ट्री, टॉल इज द एडजेक्टिव है, और ये क्वालिटी है ट्री की कि वो टॉल है, ठीक है। ब्रेव मैन, ब्रेव इज द क्वालिटी, मैन की क्वालिटी क्या है कि वो ब्रेव है। इसी तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो आपको बताते हैं नाउन के बारे में, नाउन की क्वालिटी बताते हैं कि वो किस तरह का है। तो फर्स्ट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ स्टडी दीज एडजेक्टिव। ही वांट्स टू स्पेंड द होल डे विद यू, वो चाहता है कि वो सारा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करे, गुजारे। तो यहाँ पर आप देखें, द वर्ड होल इज द एडजेक्टिव। ही मेड इनफ मिस्टेक्स इन द टेस्ट, उसने इनफ यानी कि काफी मिस्टेक्स की टेस्ट में। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड इज अ प्रोवर्ब, कि हाफ अ लोफ बेटर होती है देन नो ब्रेड, ठीक है। आपके पास कुछ भी ना हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इट्स सेम लाइक दिस, हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। द एडजेक्टिव्स होल, इनफ, हाफ एंड नन tells us how much of a thing is intended. Such adjectives are called adjectives of quantity. ठीक है, ये आपको quantity के बारे में बता रहे हैं। Quantity किसको कहते हैं? Quantity कहते हैं basically मिकदार को, और quantity is quantity में आप नहीं जानते कि ये कितनी है, यानी कि quantity is something that is uncountable, यानी कि हमें नहीं पता quantity में के ये कितनी है। Whole day, सारा दिन, enough mistakes, enough में कितनी mistakes है, we don't know, ठीक है। So यहाँ पर आपके पास exact number is not given, आपने यहाँ पर क्या करना होता है, देखना होता है कि आपको just quantity बता दी हुई है, full, whole, enough, half, some, much, many, लेकिन you cannot say कि ये कितनी है, ठीक है। आप इसे numbers में नहीं बता रहे हो, this is not in numbers, तो इसको adjective of क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपने देखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? किसी भी चीज की खूबी, खामी, जो कि क्वालिटी है, कंसीडर की जाती है, तो वो आपको बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाता है, ठीक है। जैसे सोर, स्टीप, हार्ड वर्किंग, टॉल, बैड, गुड, दीज ऑल आर द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? होल, इनफ, हाफ, सम, फ्यू, सेवरल,
ये तमाम वर्ड्स जो कि नंबर्स में नहीं है, जो कि आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं, ठीक है, बट दीज आर द वर्ड्स जो कि किसी ना किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि होल डिस्क्राइब कर रहा है, डे को इनफ डिस्क्राइब कर रहे हैं, मिस्टेक्स को, हाफ डिस्क्राइब कर रहा है, लोफ को। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स हैं, और ये किस टाइप की, किस टाइप के एडजेक्टिव्स हैं, दीज आर द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट देखें, द थर्ड टाइप इज, काइंड इज, सना हेल्ड फोर डॉल्स इन हर हैंड्स। सना ने अपने हाथों में फोर डॉल्स पकड़ी हुई है। 100 स्टूडेंट्स वेंट टू सी द जू। 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो जू को देखने के लिए पहुंचे हैं। 5 गर्ल्स एंजॉयड द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी कॉन्टेस्ट को 5 गर्ल्स ने एंजॉय किया है। द अबव मेंशन एडजेक्टिव्स लाइक फोर, हंड्रेड, फाइव, यानी कि ये तमाम, दीज आर द वर्ड्स यू कैन सी, ये तमाम वर्ड्स हैं, ठीक है, जो नंबर्स हैं। अब ये आ जाएंगे द थर्ड क्वालिटी, द थर्ड टाइप में, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में ऑल टाइप ऑफ नंबर्स आर इंक्लूडेड, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स आर इंक्लूडेड। यहाँ पर मैंने ये लाइंस को खुद ऐड किया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, दैट इज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या क्या आ जाता है, दैट इज होल, इनफ, हाफ, सम, सेवरल, मेनी, फ्यू, मच। इसको आप नंबर्स में नहीं बता रहे हो, बट यू आर डिस्क्राइबिंग इट समहाउ, कि आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट गिविंग अ प्रॉपर नंबर। तो ये सब वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाएंगे, जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में क्या आएगा, ऑल द नंबर्स आर इंक्लूडेड हियर, यानी कि तमाम नंबर्स जो कि हम हमें पता है, वो तमाम नंबर्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आ जाएंगे। सो अभी तक हमने यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को स्टडी किया है। फर्स्ट टाइप वॉज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड वॉज एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी, थर्ड वॉज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसको थोरली अपने घर में बैठकर रीड आउट करना है और एग्जांपल्स बनानी है, ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर, यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द ग्रामर एक्टिविटी। ग्रामर एक्टिविटी में देखेंगे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या मौजूद है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना होता है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव ईच वन इज, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव ईच वन इज। आपने बताना है कि ये एडजेक्टिव की कौन सी काइंड है, और आपने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। देयर आर टू थिंग्स यू आर गोइंग टू डू हियर, इज अंडरलाइन द एडजेक्टिव, और आपने इसकी काइंड्स बतानी है, कि ये काइंड बतानी है कि ये कौन सी काइंड है। इट वाज अ सनी डे, सो सनी इज द एडजेक्टिव जो कि डे को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये बेसिकली उसकी क्वालिटी है कि डे कैसा है। तो ये आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाएगा, ठीक है, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। देर आर 36 गर्ल्स इन माई क्लास, तो 36, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑल द नंबर्स आर इंक्लूडेड इन एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ द एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जिसमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स हम जानते हैं, हमने स्टडी किए हैं, वो तमाम नंबर्स जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें, I have enough money to buy you chips and coke. So enough यहाँ पर आप देख सकते हैं कि enough money को describe कर रहा है, तो it means enough is a adjective, और ये adjective of quantity है। Adjective of quantity मतलब कि हमें यहाँ पर exact number नहीं पता, हम नहीं जानते कि वो कितना है, लेकिन we can say कि enough money, ठीक है, I have enough money to buy you chips and coke. नेक्स्ट देखें, ही एट द होल चॉकलेट केक ग्रीडीली। अब यहाँ पे होल इज डिस्क्राइबिंग द चॉकलेट, सो यहाँ पर होल इज द एडजेक्टिव, और ये किस टाइप का, किस काइंड की एडजेक्टिव है, दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाएगा, क्योंकि ये आपको
क्योंकि ये आपको उसकी क्वांटिटी बता रहा है चॉकलेट की, ठीक है, बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर. रिटा हैज अ वेरी स्वीट वॉइस. स्वीट इज द एडजेक्टिव हियर. इट्स अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि वॉइस की क्वालिटी बता रहा है कि वॉइस किस तरह की है. द वॉइस इज स्वीट. फ्यूअर गर्ल्स देन बॉयज वेंट टू सी द मैच. फ्यूअर गर्ल्स, फ्यूअर इज डिस्क्राइबिंग गर्ल्स, ठीक है, और फ्यूअर्स क्या होगा, डेफिनेटली इट्स अ एडजेक्टिव. फ्यूअर्स में हमें वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, तो यू कैन से दैट दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अभी तक हमने स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर्स को डिस्कस किया. आई होप दिस इज क्लियर. अब तमाम स्टूडेंट्स मुझे हैंड रेस करके बताएं कि सबको ये थ्री काइंड समझ आ गई है. इज देयर समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, कोई ऐसा है तो फिर हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. अभी मुझे वो स्टूडेंट्स बताएं जिनको ये चीज समझ में अच्छे तरीके से आ गई है. अभी हमने थ्री काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को स्टडी किया है. फर्स्ट वॉज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें आप किसी भी चीज की खूबी या खामी देखते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता होता, इसमें फ्यू वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ वर्ड्स जो कि दैट इज क्या क्या हो सकते हैं, होल, इनफ, हाफ, सम, सेवरल, मैनी, फ्यू, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाते हैं. और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में ऑल नंबर्स आर इंक्लूडेड. सो यहाँ पर आपके पास यू कैन बेटर डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन क्वांटिटी एंड नंबर नाउ. सो ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा क्लास ने हैंड रेस किया है. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? ओके, आई विल आस्क यू व्हाट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने लेट, जिन्होंने लेट एंटर हुए हैं जो क्लास में, बेटा आई विल नॉट टीच यू अगेन. ठीक है, दिस इज फॉर दिस लेक्चर ओनली. आपने लेक्चर में टाइमली आना होता है और टाइमली रिस्पॉन्स भी करना होता है. ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स इज वेरी मच एप्रिशिएटेबल फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट देखें, टेक द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट. अब यहाँ पे यू हैव देयर इज थ्री एडजेक्टिव्स गिवन. आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट को फाइंड आउट करना है. यू विल अंडरलाइन इट. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टिक करने के लिए, बट आई हैव अंडरलाइन इट फॉर यू हियर. These strawberries have a delicate, delicious, strong flavor. So the delicious is the most appropriate word for the flavor. So hum delicious ko underline karenge. Next dekhe, 2, 1, 1/2. Achha. 2, 1/2 a loaf is better than no bread. This is a proverb. So यहाँ पर द अप्रोप्रिएट जो प्रोवर्ब हमारा बनता है वो बनता है हाफ से. हाफ अ लॉफ इज बेटर देन नो ब्रेड. सेम एज इट इज, जैसे कि हम कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग. नेक्स्ट देखें, और रूम्स शुड बी डल, एरी, डस्टी. सो एरी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द रूम्स. तो और रूम्स शुड बी एरी. एरी को हम अंडरलाइन कर देंगे. अ बैड वर्कमैन स्कोर्स, लव्स, ब्लेम्स हिज टूल्स. टूल्स क्या होते हैं, वो जो कि वो यूज करता है, टूल्स उसको कहते हैं जो कि एक वर्कमैन वर्क करने के लिए जो चीजें यूज करता है उसको टूल्स कहते हैं. ठीक है, अ बैड वर्कमैन, एक बैड वर्कमैन जो है वो क्या करता है. स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना. लव्स और ब्लेम्स, ब्लेम्स का मतलब होता है इल्जाम देना. ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, अगर वो बैड वर्कमैन है तो डेफिनेटली वो अपने टूल्स को इल्जाम देगा. वो ये नहीं कहेगा कि आई एम अनेबल टू डू दिस, वो ये कहेगा कि मेरे टूल्स खराब हैं. ठीक है, तो एक बैड वर्कमैन की पहचान क्या होती है कि वो अपने टूल्स को ब्लेम करता है, उस पर इल्जाम देता है. वो ये नहीं कहता कि आई डोंट नो अबाउट दिस, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम अनेबल टू डू दिस. वो ये कहता है कि माई टूल्स आर नॉट वर्किंग वेल. अच्छा, नेक्स्ट देखें, so a blames is the appropriate word for this. I have enough much more money to buy my sister a beautiful bracelet. So for money, agar humne money ko describe karna ho to hum use karte hain, the most appropriate word is enough.
ठीक है, इनफ इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज विद मनी, एंड आपको हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, दिस इज ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी। आपने यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी से एडजेक्टिव्स को ब्लैंक्स को फिल करना है विद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यानी कि आपने या तो क्वालिटी हो सकता है या तो क्वांटिटी हो सकता है, आपने नंबर्स नहीं डालने मींस टू से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन, आपके पास जो क्वेश्चन मौजूद है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी, या तो आप क्वालिटी में से कोई वर्ड लेंगे या तो फिर आप क्वांटिटी में से कोई नंबर कोई वर्ड लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट वन है वहां पर ये लिखा हुआ है नंबर, तो आपने इसको चेंज करना है, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी या तो फिर क्वांटिटी में से, तो आई हैड फ्यू कर लेंगे, फ्यू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, फ्यू कर लें, आई हैव फ्यू रुपीज, ही हैड फ्यू रुपीज इन हिज पॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है, आपने या तो क्वालिटी में से कोई वर्ड लेना है या तो फिर क्वांटिटी में से। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, डैश मैन केम टू सी द पपेट शो। अब यहाँ पे ये हो गया है सिमिलर, इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी रुपीज आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि ज्यादा है, और यहाँ पे क्योंकि सिमिलर हो गया, सिमिलर हो सकता है, ठीक है, बट आई एम चेंजिंग इट फॉर यू, आप इसमें खुद से भी कोई डाल सकते हैं, ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इट्स अप टू यू, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें आपके पास जो आपको बताया गया है, आपको सिर्फ ये बताया कि आपने क्वालिटी या क्वांटिटी में से कोई वर्ड लेना है, ठीक है, इट्स अप टू यू, अब आप इसमें कोई भी अप्रोप्रिएट डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर चेंज कर दिया है, He had few rupees in his pocket. अब यहाँ पर आप अपने जो होमवर्क है उसमें भी करेक्ट करेंगे कि यहाँ पर few आएगा बिकॉज हमने क्वांटिटी में से या क्वालिटी में से लेना है, तो रुपीज के लिए हम क्वांटिटी में से कोई वर्ड ले सकते हैं। अब मैन के साथ आप क्वालिटी या क्वांटिटी में से दोनों में से कोई वर्ड ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेवरल लिख दिया, सेवरल मीन्स कई, कई मैन मतलब बहुत सारे लोग, आदमी केम टू सी द पपेट शो, बहुत सारे लोग आदमी पपेट शो देखने के लिए आए। बाबर वॉज अ डैश किंग, अब यहाँ पर किंग को आपने डिस्क्राइब करना है, तो डेफिनेटली यू विल पिक आउट द वर्ड फ्रॉम क्वालिटी, क्योंकि आप किसी पर्सन के बारे में अगर बात करोगे तो आप क्वालिटी बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे काइंड लिखा है, यू कैन चेंज दिस वर्ड फ्रॉम एनी अदर वर्ड, आप कोई भी अदर वर्ड भी लिख सकते हैं काइंड की जगह पे, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के जो मैंने लिखा हुआ है, आपने एज इट इज वही करना है, आपने वो करना है जो कि अप्रोप्रिएट है, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी में से वर्ड्स लेने हैं, तो जो अप्रोप्रिएट वर्ड है क्वालिटी और क्वांटिटी में से आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो काइंड की जगह पे आप क्रूल भी डाल सकते हैं, यू कैन राइट अनदर वर्ड एज वेल, ठीक है। बाबर वॉज अ काइंड king, was a cruel king, was anything you can write in it, right here. She is dash but happy. She is poor but happy. ठीक है, मैंने यहाँ पर poor लिखा हुआ है. If you think that you can change this word from another word, तो आप इसे change कर सकते हैं. The milkman had sufficient milk. Sufficient is also a word from adjective of quantity. तो सफिशिएंट का भी मतलब होता है एक अच्छी मिकदार में, सफिशिएंट काफी। He did not eat sour fruits. तो यहाँ पर मैंने sour लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ और वर्ड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप स्वीट लिख सकते हैं, आप अदर वर्ड्स के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। आपने जस्ट स्टिक टू द पॉइंट, आपने क्वालिटी या क्वांटिटी में से कोई वर्ड अप्रोप्रिएट यहाँ पर डालना है, ठीक है। सो इट्स डन,
कल मैं स्टूडेंट्स आपसे सेंटेंसेस, आप सब ने इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है? मैं इसके मीनिंग आपको बता देती हूँ। कल हम शुरू करेंगे सेंटेंसेस के साथ, ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं कि सेंटेंसेस आप स्टूडेंट्स बनाते हैं और मैं उसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो मैं करेक्शन कर लेती हूँ। आपने वो सेंटेंसेस लिखने होते हैं जो आप बना रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि ग्लोरियस है, इसका मतलब है शानदार, सफिशिएंट मतलब काफी, सेवरल कई, ह्यूमरस मतलब बहुत फनी, फर्टाइल का मतलब होता है जरखेज, क्लाउडी मतलब क्लाउडी तो वेदर जैसे होता है, इनफ काफी, ब्रेव बहुत, बहादुर। तो स्टूडेंट्स अब वो स्टूडेंट्स हैंड रेस करेंगे जिनका कोई अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगा मुझसे, अगर किसी ने पूछा कि ये ब्लू शीट पे करना है या नहीं करना है तो आई विल नॉट आंसर यू। इज दैट क्लियर? ये तमाम काम जो आपको दिया हुआ है आपने ब्लू शीट पे करना है, ठीक है? वो तमाम जो क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और दिस वन ग्रामर एक्टिविटी के जो जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, काइंड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बार बताऊंगी स्टूडेंट्स, मुझे बार बार आप नहीं पूछेंगे, ठीक है? काइंड आपने लिखनी नहीं है, ये जो 3 काइंड आपको बताई हुई है, यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन, क्योंकि इसमें कोई लिखने के लिए आपके पास नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके? अब आप में से जो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन करना चाहता है रिगार्डिंग दिस लेक्चर और द प्रीवियस वन, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? सो रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लेक्चर। किसी ने भी मुझसे होमवर्क से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं करना। जी शाल विकास, यस, टीचर मैंने आपसे पूछना था ये कि 1 वीक में कितनी दफा फ्राइडे सैटरडे संडे भी चलनी क्लासेस, नो, और टीचर एक और बात पूछनी, टीचर कल हमारा SST का सब्जेक्ट नहीं होता तो आज भी नहीं होगा? आज होगा, क्यों नहीं होगा, कल भी हुआ है बेटा। कब हुआ था टीचर? मेरे पास तो नहीं आया। आपके पास आप अवेलेबल नहीं होंगी, आपको पता नहीं चला होगा, SST का लेक्चर ना हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? आपके पास जो बेटा थैंक शेड्यूल है उसको देखो। कश्यप गंजफर, अनम्यूट फ्रॉम योर यू। साइड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने आपसे पूछना था जो आपने कल बताया था ना जी, क्या कि Page 3 उल्टा लगा हुआ है स्क्रीन। टीचर मेरा तो ठीक लगा है। ठीक है, मे बी फिर सबका ठीक हो या मेरे पास ऑपोजिट दिख रहा हो सकता है कि किसी में चला गया हो, क्योंकि मैंने एक देखा था तो उसके अंदर था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि अगर किसी के पास इस तरह से एक पेज चला गया है तो ठीक है, अगर आपके पास ठीक है तो इट्स वेल एंड गुड। ओके, ओके। हैदर अली, अनम्यूट फ्रॉम योर साइड। हैदर अली, आबरू फातिमा, अनम्यूट फ्रॉम योर साइड। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने आपसे पूछना था वो SST का लेक्चर नहीं हुआ, मैंने कल सारी क्लासेस रेगुलर टाइम पे ली हैं, कोई SST का लेक्चर नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये होगा स्टूडेंट्स के मे बी के एक दिन सलामी आ तो एक दिन SST हो, ठीक है? और एक्सक्यूज मी टीचर, मुझे एक्सक्यूज मी टीचर, ये आज ये वाला लेक्चर तो इस्लामिया था, SST में से किसी एक का होता है। हाँ जी बेटा, आज के लेक्चर मैंने इसलिए लिया है बिकॉज मिस सुमेरा इज एब्सेंट टुडे, सो दैट्स व्हाई मैंने ये लेक्चर लिया। मे बी कि जब मेरा लेक्चर हो फिर मिस मिस नबीहा ले लें, ठीक है? एक्सक्यूज मी टीचर, मुझे क्वालिटी ही एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी समझ आ गया, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर नहीं मुझे समझ आया। नंबर्स में बेटा ऑल टाइप ऑफ नंबर्स आर इंक्लूडेड। नंबर्स कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो ऑन, ठीक है? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि जहां पर नंबर आ गए हैं तो वो आपका कंसीडर किया जाएगा इन द एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। ये तो बहुत इजी है, ठीक है? थैंक यू टीचर। वेलकम अली रायान, अनम्यूट फ्रॉम योर साइड। अली रायान, अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। यस
एक्सक्यूज मी टीचर, मेरे मामा पूछ रही थी बीच में वो नमाज वगैरह का टाइम नहीं होगा जो जो बच्चे पढ़ते नमाज? बेटा जैसे लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, देखें अब आपने खुद इसमें से टाइम निकालना होगा क्योंकि सबके साथ ही है, आपके पास यहाँ पे तो कोई ब्रेक नहीं है, 12 to 4 तो कोई ब्रेक भी नहीं आ रही है, तो यस यू हैव टू मैनेज इट, ठीक है? ओके ओके थैंक यू. इमान साजिद अनम्यूट फ्रॉम योर साइड. अस्सलाम वालेकुम टीचर. यस, जब मुझे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं समझ आया. क्वालिटी और क्वांटिटी समझ में नहीं आया?